एक लड़का लिख रहा है कि मेरे फूफा जी आपको बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपके फूफा जी मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि जनरली फूफा और जीजा किसी को पसंद नहीं करते। बड़ा बुरा हाल है इनका। इनको क्या है ना, जब ये दूल्हा बने थे उस घर में आए थे तो बड़ा अपार सम्मान मिला था, घोड़ी पे महिलाएं तिलक कर रही हैं, फूल फेंक रही हैं, इनको उसकी आदत हो जाती है। तो जब ये किसी दूसरी शादी में जाते हैं तो इनको अपना वक्त याद आता है और ये कंट्रोल नहीं कर पाते कि अब वो सम्मान हमें क्यों नहीं मिल रहा। मैं चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि फूफा और जीजा आपकी शादी में आके हंगामा ना करें, तो एक एक छोटी घोड़ी इनके लिए भी लगवाइए शादी में, और इनको फिर से वो मजा दीजिए। भले ही महिलाएं बाहर से बुला लीजिए इनका तिलक कराने के लिए, लेकिन दूल्हे के साथ इनका तिलक भी होना चाहिए, तभी ये अच्छा फील करेंगे। वरना सब्जी में नमक कम है, पनीर बहुत टाइट है, कढ़ी में पकौड़े तो बचे ही नहीं है, पीज पुलाव में पीज नहीं है, इनकी इस तरीके की शिकायत रहेंगी रहेंगी। कच्चा प्याज नहीं मिला, कच्चा प्याज दे दोगे तो बोलेंगे छिलके वाला प्याज नहीं मिला, जलेबी है तो उसके साथ रबड़ी नहीं है, गुलाब जामुन का रस नहीं है। अबे बुड्ढे रस पिएगा क्या, वैसे तेरे को इतनी शुगर हो रखी है, मरना है क्या अब? देखो ये कौन है भाई जो पूछ रहे हैं अभिनय कैसे हो, एक बार नीचे करना इनका कमेंट। ये कह रहे हैं कि अभिनय कैसे हो, नहीं था। हाँ सुदीप दास चक्रवर्ती कह रहे हैं अभिनय कैसे हो। वाह वाह कितने हसीने चक्रवर्ती साहब, नाम बड़ा है इनके, दर्शन छोटे निकले। अभिनय कैसे हो, अभिनय तो तुम्हारे साथ पढ़ता है ना, वो लौंडा है अभिनय तो। वो लड़के होते हैं जैसे बाप का नाम रमेश है, सुबह जगते ही और रमेश क्या हाल है बेटे, और रमेश ने मारा उधर से खींच के झापड़, और उधर से रमेश की वाइफ ने उठा ली चप्पल, कहता अब नहीं बोलूंगा अब नहीं बोलूंगा, बाप बाप होता है। देखिए।